हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे पास CRT टीवी आया हुआ है जो कि 14 इंच का है। तो चलते हैं, इसमें खराबी क्या है वो देखते हैं। तो ये हो गया हमारा लाइन इनका प्लोक और इसको लाइन पर लगाते हैं। तो लाइन पर तो लगा दिया, हमारा बत्ती आया था फिर चला गया। देखते हैं थोड़ा देर हमारा पिक्चर आता है कि नहीं आता है। तो लाइट नहीं आ रहा है इसमें, तो क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले लाइन से आउट कर दिए और चलते हैं खोल कर बनाते हैं। तो टीवी को मैंने ओपन कर लिया है और ये हमारा ये ESD ख़राब है जो कि हमारा ESD काटा हुआ है। ये फिजिकली आप भी देख सकते हैं कि ESD इसमें काटा हुआ है, जो कि हमारा ये ESD का वायर जाता है हमारा पिक्चर ट्यूब पर, वो हमारा काटा हुआ है। तो ये तो ऐसे ही ख़राब जैसा ख़राब है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसको हम चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए तो इसको सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा। तो चलते हैं और इसको चेंज करते हैं। तो मैंने ये ESD को ओपन कर लिया है और ये हो गया हमारा बेस किट। तो बेस किट से भी इसको ओपन कर इसको हटा देते हैं, इधर रख देते हैं। और हमारा पिक्चर ट्यूब पर जो कि कैप लगा हुआ है ये वाला, इसको भी हटा देते हैं। और क्या करेंगे कि ये कितना नंबर का था, तो 10-10A है हमारा। ये लोकल ESD लगा हुआ है इसमें, तो क्या करेंगे कि हम 10-10A नंबर का ESD लेकर इसमें लगाएंगे। तो मेरे पास ना ये 10-10A नंबर का पुराना ESD है जो कि पहले निकाल कर रखे हुए थे। तो क्या करेंगे इसको लगा कर देखते हैं इसमें। तो चलते हैं और इसको लगाते हैं। तो इनपुट तो हम कनेक्शन कर दिए और ये हमारा आउटपुट भी हमारा प्रिंट काटा हुआ है, तो इसको भी कनेक्शन कर देते हैं। जम्फर लगाते हैं, तो जम्फर को सोल्डिंग कर दिए। और क्या करते हैं कि यहाँ पर प्रिंट है, इस प्रिंट पर क्या करेंगे कि हम इसको कनेक्शन कर देंगे। तो हमारा ये भी कनेक्शन हो गया और इसको देते हैं, हटा देते हैं वायर को। तो हमारा ये तो लगता है कि एकदम कनेक्शन ओके हो गया। और क्या करेंगे कि बेस किट पर जोड़ेंगे, जो कि ये हो गया हमारा बेस। तो बेस किट पर ये वायर को कनेक्ट करते हैं। ये भी हमारा हो गया और दूसरा वायर को कनेक्ट करते हैं बेस पर, ये वाला को। तो ये हो गया हमारा बेस और इस पर कनेक्शन कर देते हैं। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया ESD का। और ये बेस को क्या करते हैं कि हम इस पर पिक्चर ट्यूब के बेस पर लगा देते हैं इसको। तो ये हो गया और क्या करेंगे कि इसको हम लगाएंगे पिक्चर ट्यूब पर। तो आपको पिक्चर ट्यूब की तरफ ले चलते हैं। तो बोर्ड को पलटा देते हैं, पलटा कर रखते हैं। और ये हो गया हमारा ESD का कैप जो कि पिक्चर ट्यूब पर लगता है। तो ये इसको हम लगाते हैं पिक्चर ट्यूब पर। तो इसको लगा दिए और क्या करते हैं कि एक बार लाइन देकर देखते हैं। बोर्ड को ऐसे ही पलटा कर रखते हैं कि हमारा और भी कुछ कोई कंपोनेंट तो खराब नहीं है।
तो ये हो गया हमारा मल्टीमीटर जो कि डीसी रेंज पर रखे हुए है, और ये हो गया हमारा लाइन इन का प्लग, इसको लाइन पर लगाते हैं। लाइन पर लगा दिए, हमारा आवाज़ टिक टिक का आवाज़ आ रहा है, तो हमारा लगता है कि शॉर्ट है। ये हमारा शॉर्ट दिखा रहा है जो कि 180 वोल्टेज आता है, ये ESD सेक्शन के लिए, जो कि हमारा अभी शॉर्ट है, जो कि टिक टिक का आवाज़ आ रहा है। तो टिक टिक का आवाज़ आने पर क्या करेंगे कि सबसे पहले ESD सेक्शन को हम चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर रखे और रेड प्रोब को क्या करते हैं कि ग्राउंड पर रखते हैं और चेक करते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट है, ESD सेक्शन शॉर्ट है, आउटपुट पर भी शॉर्ट है। ये हो गया हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर है, तो वहाँ तक भी हमारा शॉर्ट बता रहा है। तो एक बार रेजिस्टेंस को भी चेक कर लेते हैं, तो रेजिस्टेंस भी शॉर्ट बता रहा है। तो क्या करेंगे कि हम एक बार ये ओपन कर देखते हैं जो ये रेजिस्टेंस को जो कि ESD सेक्शन में जाता है, तो इसको क्या करते हैं एक बार ओपन कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस को मैंने क्या किया कि ओपन कर दिए, ये वाला जो कि ESD सेक्शन में जाता है हमारा वोल्टेज। अब चेक करते हैं हमारा ये ESD सेक्शन पर ख़राब ही है कि ये हमारा इधर ख़राब है आउटपुट पर। तो इसको ग्राउंड पर रखें, ये हमारा इधर नहीं ख़राब, इस पर ओके है, लेकिन रेजिस्टेंस के इस पर ख़राब है, यानी कि ESD सेक्शन हमारा शॉर्ट है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम ESD सेक्शन पर, तो ये आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। तो आउटपुट ट्रांजिस्टर को हम कैसे चेक करते हैं, हम पिछले वीडियो पर भी सीखे थे। तो सबसे पहले एनालॉग मल्टीमीटर को ले आते हैं और रखते हैं यहाँ पर। और एनालॉग मल्टीमीटर को कंटिन्यूटर पर रखे हुए है, और ये जो कि हमारा ब्लैक प्रोब हो गया, इसको कहाँ रखते हैं तो मिडल पिन पर। और ये दोनों साइड पर क्या करता है कि शो करने पर हमारा ये आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट रहता है। देखिए ये हमारा दोनों तरफ से शो कर रहा है, तो यानी कि ये हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर लगता है कि शॉर्ट है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं और चेक करेंगे ओपन कर। थोड़ा थोड़ा आ गया है, थोड़ा और भी है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा आ गया बाहर। तो इसको भी एक बार चेक करते हैं, तो आपको मल्टीमीटर पर दिखाते हैं। ये एनालॉग मल्टीमीटर है, तो ये मीटर पर क्या करेंगे कि हमारा ये मिडल का पिन हो गया, जो कि मिडल का पिन इसको हम बीच पर रखे हुए हैं, मिडल पिन पर रखे, और यहाँ पर चेक करते हैं तो हमारा शो कर रहा है। इस पर चेक करते हैं तो यहाँ पर भी शो कर रहा है, यानी कि हमारा ये आउटपुट ट्रांजिस्टर एकदम 100% ख़राब है। दूसरा लाते हैं, ये हो गया हमारा दूसरा आउटपुट ट्रांजिस्टर, जो कि इसका नंबर है 18-3। आउटपुट पर जो लगता है उसको भी चेक कर लेते हैं, और मिडल पिन पर रखे ब्लैक वायर को, और इस पर चेक करते हैं तो हमारा शो नहीं कर रहा है। मिडल पिन पर एक बार चेक करते हैं तो शो कर रहा है, लेकिन ये दोनों पिन पर हमारा शो नहीं कर रहा है, तो ये हमारा ओके है। तो इसको क्या करते हैं कि एक बार लगा कर देखते हैं। एक बार तो हम क्या करेंगे कि एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, हमारा जो कि शॉर्ट बता रहा था, तो हमारा शॉर्ट बता रहा था ये आउटपुट। तो इसको भी एक बार चेक कर आपको दिखाते हैं। ये हो गया हमारा कंटिन्यूटी, और इसको ग्राउंड से पहले ओके है, इस पर चेक करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं, यानी कि हमारा शॉर्ट ख़त्म हो गया है, अभी नहीं है। तो हमारा वो ट्रांजिस्टर एकदम 100% ख़राब है, इसलिए वो शॉर्ट बता रहा था। तो क्या करेंगे कि उसकी जगह पर हम ये दूसरा ट्रांजिस्टर को लगाते हैं। तो आउटपुट ट्रांजिस्टर को लगा दिए, और जो हम निकाले थे अभी ओपन किए थे रेजिस्टेंस को, जो कि हमारा ESD सेक्शन में जाता है, उसको भी हम लगा देते हैं।
तो हमने क्या किया कि रेजिस्टेंस को भी लगा दिए और ये आउटपुट ट्रांजिस्टर को भी लगा दिए और एक बार लाइन पर लगा कर चेक करते हैं। तो ये हो गया हमारा लाइन इनका प्लोक और इसको लाइन पर लगाते हैं। तो लाइन पर लगा दिए लेकिन अभी टिक टिक आवाज़ जो पहले आ रहा था वो नहीं आ रहा है। एक बार आप वोल्टेज चेक कर दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड और ESD सेक्शन पर चेक करते हैं तो हमारा वोल्टेज आ गया है जो कि 109 वोल्टेज आ रहा है। तो लगता है कि हमारा ESD बन रहा है। तो क्या करते हैं कि एक बार आपको पिक्चर ट्यूब की तरफ दिखाते हैं। तो TV को ऐसे ही रहने देते हैं और इसको ऐसे घुमाते हैं। तो आप भी देख सकते हैं कि TV हमारा ओके हो गया है। तो हमारा इसमें ख़राबी क्या था, तो ESD कटा हुआ था यानी कि ESD ख़राब था और आउटपुट ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब था। तो दोनों को लगाए तो ये हमारा TV एकदम ओके हो गया। तो ऐसे ही कर हम TV को बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चेक करते जाएंगे और जो भी फॉल्ट हो ऐसे ही रिपेयर करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।